हाल ही में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को लेकर इस खबर ने सभी को चौंका दिया। अक्षय जो कि बॉलीवुड के आज के टॉप डिमांडिंग एक्टर्स में शुमार है, हाउसफुल 4 में उनका बाला का किरदार लोगों को दीवाना बना गया। बाला गाना जो अब तक ट्रेंड में है, उस अक्षय कुमार को खिलाड़ी कुमार तो कहा जाता है क्योंकि खिलाड़ी है अक्षय, लेकिन फिल्मों के मामले में खिलाड़ी अक्षय को कोई अब मात नहीं दे सकता। जिस तेजी से उनकी डिमांड बढ़ रही है, तो ऐसे में अब खबर आ रही है कि 100 करोड़ रुपए एक फिल्म के लिए लेंगे अक्षय कुमार। वासु बगनानी के साथ अक्षय फिर काम कर रहे हैं। आपको जानकारी देना चाहेंगे, निखिल अडवाणी इस प्रोजेक्ट के लिए अक्षय और वासु के साथ साथ आएंगे एमी एंटरटेनमेंट के लिए, जिसे लेकर मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से खबर आ रही है कि रंजीत तिवारी इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। फिल्म लखनऊ सेंट्रल को डायरेक्ट कर चुके रंजीत तिवारी इस बार अक्षय को डायरेक्ट करने वाले हैं। अक्षय की फिल्म को फिल्म एक हार्डकोर एक्शन ड्रामा होगी ऐसा कहा जा रहा है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए फीस खुद अक्षय ले सकते हैं। ऐसा आज सुनकर फैंस को तो झटका लगेगा। जहां एक फिल्म आज की डेट में 100 करोड़ की कमाई के लिए जी जान लगाती है, वहीं सलमान की अपनी फीस अगर 100 करोड़ होती है तो सोचिए जरा फिल्म कितनी दमदार होगी। जी हाँ, इस बारे में कहा जा रहा है कि रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित होगी ये फिल्म। रियल स्टोरी बेस्ड फिल्म को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो अक्षय कुमार बैक टू बैक हिट देने के लिए अक्षय कुमार का नाम तो सोशल मीडिया पर हमेशा ही रहता है चर्चाओं में, और फीस तो वो डिजर्व करते भी हैं जिस तरह से उनकी हिट फिल्में लगातार सामने आ रही हैं। शूटिंग लंदन में होगी कहा जा रहा है अक्षय कुमार की उस हार्डकोर एक्शन ड्रामा फिल्म की, जिसमें एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा आपको देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि कूली नंबर के रीमेक को प्रोड्यूस करने के बाद अब वासुदेवी जो है आगे इस पर काम करने वाले हैं। वरुण धवन, सारा होंगे कूली नंबर 1 में, तो अक्षय उनकी अगली फिल्म का लीड हीरो होंगे, जिसे लेकर फिलहाल नाम सामने नहीं लाया गया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।